हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम समोसा चाट बनाएंगे, तो चलिए समोसा चाट बनाना शुरू करते हैं। समोसा चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम समोसा बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ पे इस तरह से क्रश करके डालें। 2 से 3 बड़ी चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। अगर आपको खास्ता ज़्यादा पसंद है तो तेल आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। मिक्स करके इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार करेंगे। तो डो हल्का सा सख्त होना चाहिए, तो हल्का सा सख्त डो तैयार कर लेंगे। और देखिए यहाँ मैंने सख्त डो तैयार कर लिया है, ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे। तब तक हम मटर की तैयारी करेंगे। और यहाँ मैंने 1 कप मटर को ओवरनाइट के लिए भिंगो के रख दिया था और ये अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, मटर को हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी इतना डालें ताकि मटर जो है वो अच्छी तरह से डूब जाए। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हम फुल फ्लेम पर रखेंगे। तो जैसे इसमें प्रेशर बन जाए फिर गैस का फ्लेम हम मीडियम करके 4 से 5 सीटी आने तक पका लेंगे। आप इसमें 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, इससे मटर जल्दी पक जाता है। अब गैस पे हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें हम 2 बड़ी चम्मच सरसों तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों तेल लिया है, आप जो तेल यूज करते हो वो तेल आप ले सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए 1 छोटी चम्मच इसमें हम सौंफ डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया, 1/2 छोटी चम्मच हींग, 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ लहसुन, 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च दरदरा पिसा हुआ। कुछ सेकेंड के लिए इसे हम पका लेंगे। हरा मिर्च आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कुछ सेकेंड के लिए इसे हम पका लेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे भी हम कुछ सेकेंड के लिए पकाएंगे, मसालों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम 3 उबले हुए आलू डालेंगे, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसे पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे, छोटे छोटे इसके टुकड़े रहने चाहिए। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच इसमें हम काला नमक डाल देंगे, काला नमक से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मिक्स कर लेंगे, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। तो समोसा बनाने के लिए आलू का मसाला भी रेडी हो गया है। अब चलिए यहाँ आटा देख लेते हैं। तो आटा को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुका है, आटा भी सेट हो चुका है। तो आटा के हम छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। तो पहले मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। अब इसके हम लोई लेंगे, तो लोई हम जैसे रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़े से हम इसे बड़े लोई लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसे गोल करके इसे हमें लंबा बेल लेना है, तो इस तरह से लंबे आकार में इसे हमें बेल लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। बीच से इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। एक को हम पहले साइड में रखते हैं। अब इस तरह से इसे फोल्ड करें और पानी लगा लें इसके ऊपर। इस तरह से हम चिपका लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, छानते वक्त ये खुले नहीं। इसके अंदर से भी हम पानी लगा लेंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, तो मसाला हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इस तरह से पकड़ के इसे फोल्ड कर ले और इसके ऊपर वाले हिस्से को भी हम बंद कर देंगे। और ये देखिए समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह हमें सारे समोसे बनाकर तैयार करना है। तो सारे समोसा हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने तेल को गर्म होने के लिए रखा है और तेल गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम समोसा डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा हम तेल को गर्म नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखेंगे। तो समोसा को मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ी देर बाद हम समोसा को पलट लेंगे और हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ देखिए समोसा में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम मटर को देख लेते हैं। और देखिए मटर यहाँ अच्छी तरीके से पक चुका है। इसमें पानी कम है तो इसमें हम पानी डालेंगे।
तो इसमें हल्का सा गर्म पानी डालें। तो मैंने यहाँ पे एक कप अभी इसमें पानी डाला है, पहले मिक्स करके देख लेते हैं। इसमें आधा कप पानी और डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। तो मटर अब परफेक्ट है, इससे ज़्यादा अब इसे हम पतला नहीं करेंगे। समोसा रेडी है, मटर रेडी है, तो चलिए अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लेट में हम समोसा डालेंगे। समोसे को हम हाथ से दबाते हुए तोड़ देंगे, और यहाँ मैंने समोसे को तोड़ लिया है। इसके ऊपर हम मटर डालेंगे। अगर मटर ठंडा हो गया हो तो मटर को गर्म करके डालें। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, दही डाल देंगे, खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे। अब थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ी सी भुजिया डाल देंगे। आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं। और लीजिए, गर्मा गर्म चटपटा सा समोसा चाट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।